Assalamualaikum, मेरा नाम मुआन, आप देख रहे हैं टेकहोज। आज हमारा आज टेकहोज एपिसोड नंबर 21। मैंने कोशिश की है, अभी ये लाइट को क्या होने लग पड़ा है, मुझे लगता है कि लाइट आधी हो गई हुई है। आप लोगों को पता नहीं नोटिस हुई है ये बात या नहीं हुई, लेकिन हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। यार एक बात आपको मैं बता दूं कि जो बारिश थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी और पूरे एरिया के अंदर लाइट नहीं थी। लाहौर के काफ़ी ज़्यादा बड़े एरियाज़ के अंदर लाइट नहीं थी, अभी ये पता नहीं ज़्यादा और कम हो रही है। जो पहला क्वेश्चन मैंने पिक किया है ये बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, एक भाई ने कमेंट किया था क्योंकि कल हम लोगों ने जो वीडियो अपलोड की थी उसके स्टार्ट को मैंने कहा था कि भाई लाइट नहीं थी इसलिए वीडियो एक दिन लेट आ रही है। उन्होंने कहा था जनरेटर UPS तो हर घर में होता है, तो भाई बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप कभी भी जनरेटर और UPS के ऊपर अपनी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनको कभी भी चार्ज मत करें, क्योंकि जो बैटरीज लगी हुई होती हैं वो आपकी इंस्टेंटली डेड हो सकती हैं, आपकी बैटरीज काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती हैं। तो आप लोगों ने कभी भी ये काम नहीं करना, आपके लैपटॉप मोबाइल या फिर कैमराज की जितनी भी बैटरीज हैं उनको कभी भी UPS और जनरेटर के ऊपर चार्ज ना करें, अगर आप लोगों को उनके साथ प्यार है तो। तो ये वाली जो लाइट है ये मुझे लगता है कि ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कह रहा स्पोर्ट्स स्टॉक्स की तरफ से, उन्होंने पूछा ओप्पो रेनो 5 और वीवो V21e में से कौन सा बाय करना चाहिए, कैमरा के लिए स्पेक्स ऑलमोस्ट सेम है बट प्राइस डिफरेंस है, या फिर रेनो 6 का वेट करना चाहिए, और ये भी बताएं कि कब तक आएगा, और क्या गैलेक्सी A52s पाकिस्तान में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो यार अगर मैं इन शॉर्ट बात करता हूँ तो आप ओप्पो रेनो 6 का वेट करो, वो काफ़ी एक प्यारी डिवाइस है, उसकी स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छी हैं, और आपको पता है कि कैमरा के लिहाज से जो ओप्पो के फ़ोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जहाँ तक बात है A52s की, तो मुझे लगता नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर आएगा, क्योंकि जो 5G वाले फ़ोन हैं ना सैमसंग के वो अभी तक तो नहीं आए पाकिस्तान के अंदर, मतलब कि A52 अगर हम लोग बात कर लेते हैं या फिर A72 की। इसके अलावा A51 और A71 के भी जो 5G वेरियंट्स थे वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आए थे, तो मुझे लगता नहीं है कि जो S सीरीज़ ना ऊपर वाली लाइनअप की थोड़ी सी प्रीमियम टाइप की तो वो आएगी, तो आप A52s को तो निकाल दो अभी अपने माइंड से। अगर वो आता भी है तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा इस पूरी प्राइस की ब्रैकेट से, मतलब कि 50 से लेके 60,000 के बजट से। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है डियर गेमिंग ने Infinix अपकमिंग फ़ोन, तो भाई Infinix का जो अपकमिंग फ़ोन है ना वो Infinix नोट 11 है या फिर नोट 11 प्रो है, पूरी एक सीरीज़ है, लेकिन इसके बारे में किसी किस्म की अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ रही। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं खुद से भी न्यूज़ को क्रिएट कर सकता हूं, मतलब कि जिस तरह पता नहीं मैं क्या बोलने लगा, मुझे बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए, मतलब जब तक कोई ऑफिशियल या फिर ट्रस्टेड सोर्स से न्यूज़ नहीं आती तो भाई मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। अब सीधी सीधी बात ये होती है कि मैं कह सकता हूँ कि अभी Redmi Note 10 सीरीज़ आई है, तो भाई बहुत जल्द Note 11 सीरीज़ आ रही है, बहुत जल्द iPhone 13 सीरीज़ आ रही है, वो तो सबको पता वो आ ही रही है, लेकिन आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भाई कोई अपडेट नहीं आ रही। जैसी कोई अपडेट आएगी डेफिनेटली आप लोगों को मैं अपडेट करूँगा अपने टेक शो के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि आ रहा है फैज़ान मोहम्मद रफ़ीक की तरफ से, उन्होंने पूछा है सम ऑनलाइन वर्क फॉर स्टूडेंट पार्ट टाइम प्लीज़, तो यार आप गूगल करें आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वर्क देखने को मिल जाएंगे। अब ये चीज़ आपने फाइंड करनी है कि आप कौन सा वर्क कर सकते हो, मतलब कि आपको 50 तक वर्क देखने को मिल जाएंगे तो आप उन लिस्ट में से देख लो कौन सा वर्क आप कर सकते हो। वैसे मैंने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी लेकिन मुझसे कोई हुआ नहीं। आज की डेट के अंदर भाई मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो मुझे कोई काम पसंद आया नहीं। मैंने YouTube के ऊपर जब ट्राई किया तो मुझे यही पता चला, मतलब लेकिन अगर आप पार्ट टाइम करना चाह रहे हो तो फिर तो आप कोई भी मतलब ट्राई कर सकते हो। YouTube के ऊपर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड चैनल देखने को मिल जाएंगे जो कि इसी के बारे में बात करते हैं, तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ नहीं है इस चीज़ के बारे में कि आपको कौन सा काम करना चाहिए वो किस तरह होगा, फाइवर वगैरह अपवर्क वगैरह के ऊपर, तो आप जो है ना थोड़ी बहुत रिसर्च डेफिनेटली कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा बाबर शेर ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, आपका क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने उसको पिक भी कर लिया हुआ है। आप हर वक्त कैप क्यों पहने रखते हो, वो बात अलग है कि इसमें आप अच्छे लगते हो, इसके अलावा क्या रीज़न है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपको कैप में अच्छा लगता हो, उसकी रीज़न कोई भी नहीं है यार। पहले मैं वीडियोज़ जो बनाता था ना स्टार्ट के ऊपर, तो मैं डेली कैप पहनता था क्योंकि मुझे बालों को सेट करना मुझे समझ नहीं लगती थी कि कोई बाल इधर से निकल रहा है कोई इधर से निकल रहा है, तो मैं चुप करके कैप पहन लेता था ताकि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फाइड रहूँ कि मेरे जो बाल हैं वो अजीब से तो नहीं हुए हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप उनको प्रॉपरली सेट करना चाहो तो। अब तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई, अब तो वो ठीक हो जाते हैं, और अभी तो मैं कैप काफ़ी ज़्यादा कम पहनता हूँ। मैंने कल वाली वीडियो के अंदर आई थिंक कैप पहना हुआ था, तो वो इसलिए था क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी वीडियो शूट करना था, मैं नहीं चाह रहा था कि लाइट जाए दोबारा से, तो मैंने कैप को पहना जल्दी से बैठा कैमरा करके वीडियो को शूट किया। अगर मैं कैप ना पहनता तो फिर मुझे नहाना पड़ना था या फिर बाल गिले करने पड़ने थे, उसके बाद उनको सेट करना पड़ना था, तो वो टाइम लगता है, तो कभी कभी मैं इसलिए टाइम को बचाने के लिए भी कैप को पहन लेता हूँ, क्योंकि आपकी जो टेंशन होती है वो सारी की सारी फिर खत्म हो जाती है।
जाती है अपने आप को सेट वगैरह करने की। बात करें अगले क्वेश्चन की जो कि आ रहा है मियां दानियाल खान की तरफ से, आर एयरपोर्ट्स टू वर्थ इन 2021 एंड प्राइस। जहां तक प्राइस की बात है तो आप ओएलएक्स कर लें, आपको प्राइस का पता चल जाएगा, या फिर आपकी जो लोकल मार्केट है वहां पर पूछ लें, क्योंकि कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है जो प्राइस होती है। और यार मैं पर्सनली तौर पर बताऊँ कि ये जो IoT टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं इनको यूज के अंदर बाय करना मैं पर्सनली तौर पर सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अंदर कोई मसला आ जाए ना तो इनको ठीक करवाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मोस्टली ये ठीक होती नहीं है। अगर हम लोग एक यूज्ड फ़ोन की बात करते हैं ना वो तो इजीली ठीक हो जाता है, लेकिन इस किस्म की जो हैंडफ्रीज होती हैं, हेडफोन्स होती हैं, इनकी क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा लोगों को समझ नहीं होती कि किस तरह स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर ठीक करना है, तो जो रिस्क का एलिमेंट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपने बाय करने हैं तो कोशिश करें कि अच्छी कंडीशन के अंदर अच्छी तरह टेस्ट करके बाय करें, और अगर आप बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। लेकिन आपको मैं एक चीज ये कहूंगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन के एयरपोर्ट्स हैं ना वो आई थिंक नेक्स्ट मंथ के अंदर आ रहे हैं, तो आप वेट करो, अभी जब वो नए आएंगे तो लोगों ने अपने पुराने जो एयरपोर्ट्स है वो सेल करने हैं, तो आपको बेटर कंडीशन के अंदर और मे बी अच्छी प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है टेक्निकल स्टडी विद BH की तरफ से, उन्होंने पूछा है मैं कैमरा फ़ोन लेना चाह रहा हूँ 60,000 तक, मैं रेनो 6 का वेट कर रहा हूँ, क्या वेट करना चाहिए, कोई अच्छा कैमरा फ़ोन रिकमेंड कर दें। तो यार डेफिनेटली आप रेनो 6 का ही वेट करो, उसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा होगा और उसका कैमरा भी अच्छा होगा। इस रेंज के अंदर में जितने भी फ़ोन मिल रहे हैं वीवो के अलावा वो तकरीबन इतने ज़्यादा अच्छे कैमरा को लिए नहीं है डेडिकेटेड, क्योंकि जो वीवो है वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड ही कैमरा फ़ोन के साथ आया था। अगर आप उसको बाय करना चाहते हो तो उसको बाय कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि भाई रेनो 6 का वेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा मोहम्मद अनीस ने, भाई मुझे ये बताएं कि रेडमी 10 में बग्स तो नहीं होंगे, प्लीज़ रिप्लाई मी, थैंक यू वेरी मच। तो यार थैंक यू वेरी मच की कोई बात नहीं है, आपका मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यार हम लोग एडवांस के अंदर कोई चीज़ नहीं बता सकते कि क्या किस तरह वो परफॉर्म करेगी, रेडमी 10 के अंदर कोई बग्स होते हैं या फिर नहीं होते, ये तो हमें तभी पता चलेगा ना कि जब वो आएगा, जैसे वो आएगा तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि उसके अंदर कोई बग है या फिर नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत जो वेट है वो कर सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की जो कि यार कबीर मलिक की तरफ से, उन्होंने पूछा एक्सट्रीम क्वेश्चन, तो भाई इनका जो एक्सट्रीम क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करते हैं, वाई आल यूट्यूबर्स कवर एनीथिंग अबाउट शाओमी एंड रेडमी इन द लास्ट, तो भाई सीधी सीधी बात यह है कि वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा देर तक उनकी वीडियोस को देखो, क्योंकि जो शाओमी और रेडमी की अपडेट्स होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लोगों का जो इंटरेस्ट होता है उनके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो उनको एंड के ऊपर रखते हैं ताकि लोग उनकी वीडियो को ज़्यादा देर तक देखें और उनकी वीडियो के ऊपर ज़्यादा वॉच टाइम आए, ज़्यादा रिस्पॉन्स आए, ताकि यूट्यूब उनकी वीडियोज़ को आगे भी सजेस्ट करे। क्योंकि जब किसी भी वीडियो को कोई लोग ज़्यादा देर तक देखते हैं तो YouTube समझता है कि ये काफ़ी एक अच्छी वीडियो है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि Redmi और Xiaomi की जो अपडेट्स होती हैं उनको एंड के ऊपर रखते हैं ताकि उनका वॉच टाइम बढ़ सके और ओवरऑल जो उनको रिटेंशन मिले वो अच्छी मिले। तो आप भी वीडियो को पूरा देखा करें और हम भी Redmi और Xiaomi की जो अपडेट्स हैं उनको एंड के ऊपर ही रखा करेंगे। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है सयाम गंदो की तरफ से, उन्होंने पूछा कि स्नैपड्रैगन 732G वर्सेज हीलो G95 सेम स्कोर करते हैं लेकिन NM में फ़र्क है 8 vs 12, तो क्या परफॉर्मेंस में भी फर्क आता है? अगर आता है तो क्या हमें तो कभी फील नहीं किया? तो भाई डेफिनेटली बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस होता है, जो स्नैपड्रैगन 732G है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है, उसके अंदर में किसी किस्म का कोई भी हीटिंग का इशू देखने को नहीं मिलता। और जो G95 है भाई आप उसको समझ सकते हो कि उसको पावर किया गया, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट किया गया, मतलब कि इसकी एग्जाम्पल आपको मैं किस तरह दूं कि उसके अंदर उन लोगों ने पावर को आर्टिफिशियली इंक्रीज किया, मतलब कि आप लोग जब उसके ऊपर गेम को करते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा हीटअप होता है, लेकिन जो स्नैपड्रैगन 732G होता है वो इतना ज़्यादा हीटअप नहीं होता, तो जो एफिशिएंसी होती है बैटरी की परफॉर्मेंस होती है इन दोनों प्रोसेसर्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। जो स्नैपड्रैगन 732G है वो एक तो हीटअप नहीं होता, उसके अंदर बैटरी काफ़ी ज़्यादा कम ड्रेन होती है, और जो वो लोड लेता है रैम से या फिर दूसरी चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा कम लेता है, तो इसलिए इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आप लोग किसी भी प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ा सकते हो आर्टिफिशियली, मतलब कि अगर वो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है आप लोग उसको ट्यून कर सकते हो, लेकिन वो फिर आपकी जो बैटरी हेल्थ होती है या फिर ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क डालता है। तो मेनली तौर पर यही डिफरेंस है। और इसके अलावा आजकल जो MediaTek के डायमेंसिटी के प्रोसेसर आ रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने ऑप्टिमाइज़ किए हैं, तो जो G95 मुझे लगता है कि अब उसको ख़त्म हो जाना चाहिए भाई, वो मुझे पर्सनली तौर पर इतना कोई खास ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर नहीं लगा, गेमिंग को लेकर वो फ़ोन की बिल्कुल ना मत मार
करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है इमरान खान की तरफ से, 50K में कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, रेडमी नोट 10 प्रो चुप करके ले लें, किसी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे बग नहीं है, पता नहीं लोग कहाँ से बग्स को निकाल लेते हैं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जब आप डेडिकेटेडली बग्स के ऊपर वीडियोज बना रहे हो और आपको जो बग्स फेस करने को मिले हैं तो भाई आपने फिर उसके सैंपल्स क्यों नहीं डाले होते वीडियो के अंदर, मतलब कि बताएंगे कुछ 35-40 बग्स और जो एक्चुअल में प्रूफ दिखाएंगे ना वो एक आधे बग का ही दिखाएंगे, बाकी पता नहीं इंटरनेट से पढ़ लेते हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं। मैंने जितने भी आज तक रेडमी 10 सीरीज के फोन्स को एक्सपीरियंस किया और मैंने रेडमी नोट 10 प्रो को भी किया, इसके अलावा पोको एक्स थ्री प्रो ये 10 सीरीज में नहीं है, लेकिन जो रेडमी नोट 10 सिंपल है सभी को टेस्ट किया, भाई मुझे ऐसे कोई बग नहीं देखने को मिले। एक दो दफ़ा डिवाइसेस क्रैश किए हैं वो भी इनिशियल तौर पर, मैंने जब बूस्ट की थी उसके बाद मुझे पर्सनल तौर पर कोई ऐसा बग नहीं मिला जिसकी बेस के ऊपर मैं कहूँ कि भाई ये फोन आप बाई ना करो। तो भाई सोच समझ के डिसीजन लिया करें, आप ये चीज़ देखा करें कि अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो वो किस तरह कर रहा है, उसका कोई प्रूफ दे रहा है आपको या फिर नहीं दे रहा, या फिर हवाई बातें कर रहा है, तो आप रेडमी नोट 10 प्रो को चुप करके बाय कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कह रहा है मोहम्मद अतीक की तरफ से, IPS भाई LPS LCD डिस्प्ले के साथ 90Hz ठीक है या फिर AMOLED डिस्प्ले के साथ 60Hz ठीक है? तो यार कभी भी कहीं पर भी किसी भी टाइम के ऊपर AMOLED डिस्प्ले मेरी प्रेफरेंस होती है, चाहे उसके अंदर 60Hz हो चाहे 90Hz हो, तो जो AMOLED डिस्प्ले ना 60Hz के साथ वो मुझे पसंद तौर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो ओवरऑल भी लोगों को चीज़ पसंद आती है वो AMOLED डिस्प्ले वाली ही आ रही होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है सनान राजपूत की तरफ, उन्होंने पूछा आई वॉन्ट टू बाय न्यू फोन इन 30-40K रेंज, शुड आई बाय और वेट फॉर समथिंग न्यू विच कुड बी रिलीज फॉर गेमिंग? तो यार 30-40 की जो रेंज है ना ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फोन आ जाते हैं, अगर गेमिंग के लिए कोई फ़ोन लेना आप तो जो रियलमी नाजो 30 आप उसकी तरफ जा सकते हो। अब ये चीज़ कन्फर्म नहीं आपका बजट कहाँ से कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि भाई उसका डिस्प्ले मुझे काफ़ी ज़्यादा फजूल लगा, काफ़ी डल डार्क टाइप का डिस्प्ले है, और इसके अलावा स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए आप फिर यूज के अंदर कोई फ़ोन देख सकते हो, मतलब कि यूज के अंदर मे बी कोई ऐसा फ़ोन जो कि 40-45 वाला हो उसको थोड़ा सा नीचे लेके आके आपको मे भी अच्छी कंडीशन के अंदर मिल जाए। लेकिन अब भी जो आने वाले फ़ोन हैं ना उनके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फ़ोन आ रहा है जो कि गेमिंग के लिए हो। तो आप थोड़ी बहुत रिसर्च करें, अगर आपको स्पेसिफिकली गेमिंग करनी है तो फिर मे भी आपको पोको X3 प्रो देखने को मिल जाए, या फिर जो पोको X3 है वो इस रेंज के अंदर कहीं पर देखने को मिल जाएगा तो आप उसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की जो कि यार अदनान चौहान की तरफ से, उन्होंने पूछा अनुमान प्रो आई एम योर रेगुलर व्यूअर एंड योर वर्क इज सो गुड, कीप इट अप, मोर पावर टू यू, थैंक यू वेरी मच। यार आई हैव सीरियस क्वेश्चन रिगार्डिंग सैमसंग एंड हुआवे किट फ्लैगशिप फोन्स, कैन यू प्लीज़ सजेस्ट मी एनी ऑफ देम, शुड आई बाय देम? तो यार ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसके ना काफ़ी ज़्यादा पहलू हैं, इसको मैं इस तरह रखूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पहले से कोई फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ करते आ रहे हो ना तो आप अगर उसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आप किसी भी किट फ़ोन की तरफ जा सकते हो, मतलब कि आपका अगर ये वाला लॉजिक है ना तो आप डेफिनेटली उसको बाय कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट के अंदर अगर हम लोग देखते हैं ना कि ऐसे कोई फ्लैगशिप फोन जो कि आपको 50-60-70-80-90 की रेंज के अंदर मिलते हैं ना, वो एज कंपेयर टू ऐसे फोन जो कि हमें नए मिल रहे होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि किसी भी फ्लैगशिप फोन का जो एक्सपीरियंस होता है एज कंपेयर टू किसी मिड रेंज फोन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मैं पर्सनली तौर पर इस चीज़ के अंदर बिलीव करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और बात यह भी है कि ना आज की डेट के अंदर जो किट फोन हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो PTA का पूरा सीन है ना कि जो पाई से फोन आते हैं ये आपको जो लाइट का इफेक्ट मिल रहा है ये पीछे से ही हो रहा है लाइट, क्योंकि भाई अभी तक ठीक नहीं हुई, अजीब तमाशे कर रही है। अच्छा आज की डेट के अंदर जो PTA का पूरा सीन है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि जो बाई से फोन आते हैं उनको पाकिस्तान के अंदर किस तरह रजिस्टर किया जाता है, उनकी IMEI वगैरह को चेंज किया जाता है, ये काफ़ी एक कम्प्लेक्स चीज़ है उस चीज़ को फाइंड करना कि आप जो फ़ोन बाय करें उसका जो IMEI है उसके ऊपर जो टैक्स पे किया गया भी है या फिर नहीं भी किया गया, मतलब कि किस तरीके के साथ उसको रजिस्टर किया गया, इसके अलावा उसकी कंडीशन क्या, वो रिफर्बिश्ड है या नहीं है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस है आप इन किट फोन्स की तरफ जा सकते हो डेफिनेटली, लेकिन मैं आप रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतना ज़्यादा रिस्क लो, मतलब कि आप 50-55-60 का कोई फ़ोन लेते हो उसके अंदर कोई इशू आ जाता है तो उसको रिपेयर करवाना भी आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप उनको अफोर्ड कर सकते हो, आप रिस्क अपने माइंड के अंदर ले सकते हो तो आप डेफिनेटली उनकी तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आपने पहली दफ़ा कोई फ़ोन बाय करना है तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी भी किट फ़ोन की तरफ जाए। तो उम्मीद है कि मेरी बात की थोड़ी सी आपको सेंस समझ आ गई होगी। तो बस इस वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी, लाजमी तौर पर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कीजिएगा, जाने से पहले अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं उनको लाजमी तौर पर रीड कर रहा हूँ।
करवाता हूँ, और कोई ऐसा अगर मुझे कमेंट आता है जिसका जो रिप्लाई करना इंपॉर्टेंट होता है अर्जेंटली, तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।